Hello everyone, welcome to our channel P3V the Great, and today's vlog is about our introduction and discussion that what we have done in the lockdown. So come on, let's watch what we have discussed in this vlog. Hello everyone, welcome to our channel P3V the Great. And today's vlog is about our introduction. So come on, let's get started. तो गाइस, इस व्लॉग में हम आपको अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में बताएंगे, अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में बताएंगे और हम दिल्ली से देहरादून कैसे शिफ्ट हुए वो बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमारे चैनल का नाम P3V द ग्रेट क्यों पड़ा। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे चैनल का नाम P3V द ग्रेट क्यों पड़ा, क्योंकि ये बात हमने पहले भी एक वीडियो में बताई हुई है, जो वीडियो है बाय बाय 2021 एंड वेलकम 2022। तो गाइस, ये जो वीडियो थी इसमें हमने बताया था कि हमारे चैनल का नाम P3V द ग्रेट क्यों पड़ा। तो सॉरी, बीच में किसी का कॉल आ गया था तो हमें स्टॉप करना पड़ा। तो हमारे चैनल का नाम P3V द ग्रेट इसलिए पड़ा क्योंकि जो हम चार बच्चे हैं उनमें से तीन का नाम पी से शुरू होता है और एक का नाम वी से शुरू होता है, यानी मैं परी पी हूँ और एक प्रीत और एक वीर, तो इसलिए P3 और वी हमारे चैनल का नाम पड़ा। अब मैं आपको बताती हूँ अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में। तो गाइस, हमारे फैमिली में दादी, ताऊजी, माजी, हमारे ताईजी को हम माजी बोलते हैं हम तीनों, और प्रीत मम्मा बोलते हैं, और मेरे मम्मी पापा और चाचा चाची, यानी जो मेरे चाचा चाची हैं वो बोलते हैं मम्मी पापा है। तो हमारे फैमिली में हम सब हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि हम दिल्ली से देहरादून कैसे शिफ्ट हुए। एक्चुअली आप सबको पता है कि कोरोना चल रहा था और लॉकडाउन लग गया था, तो इसलिए पहले तो टीवी में आया था कि 15 दिन का लॉकडाउन लगा है। तो हमने कहा ठीक है, कि 15 दिन का ठीक है, और फिर पूरा लॉकडाउन लग गया और हम लॉकडाउन में देहरादून में गए। और फिर पापा को दिल्ली से देहरादून शिफ्ट होना पड़ा क्योंकि कोरोना बहुत बढ़ गया था, लॉकडाउन भी लग गया था। अब मैं पीहू आपसे पूछती हूँ कि जब हम देहरादून में थे तो दिल्ली में आप, यानी आपके और प्रीत के साथ क्या क्या हुआ, कोई मेन इंसिडेंट बताइए। यस, हाँ, हम एक्टिविटी करते थे, उनकी क्लास भी करते थे, पढ़ाई भी करते थे। मैं तो ट्यूशन जाती हूँ, है ना, ट्यूशन जाती थी और फिर उसके बाद मुझे घर। तो हम एक्टिविटी भी करते थे, बहुत सारी एक्टिविटी, जैसे क्राफ्ट हो गया, है ना, हम बहुत सारे हम कुछ ना कुछ करते रहते थे। कभी कभी गुस्सा भी हो जाते थे लड़ाई की वजह से, क्योंकि हम पढ़ने की वजह से कभी लड़ाई हो जाती है, वैसे भी है ना। तो हम पढ़ते थे 1 घंटा पूरे, है ना, मैं 1 घंटा पढ़ते थे और प्रीत भी 1 घंटा पढ़ता था। ओके, और फिर उसके बाद आपको मेरी दीदी बताएगी। तो जैसा कि पीयू ने बताया कि वो पढ़ते थे, खेलते थे, लड़ाई भी करते थे, तो वैसे वीरों मेरे साथ भी हम पढ़ते थे, खेलते थे, लड़ाई करते थे और एक दूसरे को बहुत मारते थे, एक दूसरे से प्यार भी करते थे। और तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम चारों में से सबसे बड़े सबसे छोटे कौन हैं। तो पहले मैं हूँ, मैं सबसे बड़ी हूँ, परी, उसके बाद वीर है वी, और फिर पीहू है पी, फिर है प्रीत पी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने लॉकडाउन में क्या क्या किया, यानी लॉकडाउन में बहुत लोगों ने कुछ ना कुछ नया सीखा है, तो वैसे भी हमने भी कुछ ना कुछ नया सीखा है। तो मैंने डांसिंग सीखी है, जो कि आपको व्लॉग्स में दिख जाएगी, मेरे बर्थडे व्लॉग में डांस जो मैंने डांस किया था, तो वो भी आप ज़रूर देखें और लाइक करें। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं वीर और प्रीत के पास और उनसे पूछते हैं कि उनका लॉकडाउन में दिन कैसा बीता। तो चलिए अब इन दोनों से पूछते हैं कि इनका लॉकडाउन में दिन कैसा बीता। तो मैं आपको बताती हूँ, ये वीर पियानो में लगा होगा और प्रीत टैब में,
तो प्रीत आपका लॉकडाउन में दिन कैसा बीता? मैं भाग गया था लॉकडाउन में, जब परीक्षा आई तभी भी मैं सबसे पहले सैंडल से बाग में गया, फिर सैंडल पार्क में, फिर रेस टू मंदिर, वहाँ बहुत मजा आया। तो जब हम यहाँ पे नहीं थे दिल्ली, तब आपने और पीहू ने क्या क्या किया? तब हमने बहुत कुछ किया, हम अंदर खेलते थे, क्या खेलते थे? अच्छा अंदर ही खेलते थे आप। तो वीर से पूछते हैं कि वीर का लॉकडाउन में दिन कैसा बीता? तो वीर आपका लॉकडाउन में दिन कैसा बीता? मेरा लॉकडाउन में दिन बड़ा ही घटिया बीता। मेरा लॉकडाउन में दिन बड़ा ही घटिया गया, जैसे कि सबका गया। तो सब लोगों ने लॉकडाउन में कुछ ना कुछ नया सीखा। आपने क्या सीखा? मैंने पियानो बजाना सीखा है। अच्छा, तो जैसे कि वो होता है, जब हम संदेल पाक का वीडियो बना रहे थे तब वीर ने अभी हैप्पी बर्थडे की ट्यून सीख रहा था, अब वीर ने पूरी सीख ली है हैप्पी बर्थडे की ट्यून, और ये एक वीडियो भी अपलोड हो चुका है हैप्पी बर्थडे की ट्यून के नाम से। अगर आपको नहीं आता है पियानो में हैप्पी बर्थडे ट्यून बजाना, तो वो वीडियो जरूर देखें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Don't forget to like, share and subscribe. Bye bye.